हाय एवरीवन, वेलकम बैक हो गए आप सभी के अनदर वीडियो में। तो यार आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों को कंप्लीट गाइड करूंगा कि व्हाट इज पिक्सल। जी हाँ, इसमें यार फेसबुक पिक्सल हो या टिकटॉक पिक्सल हो, दोनों ही कवर हो जाएंगे। सेकंड नंबर पे मैं आप लोगों को कंप्लीट डिटेल से बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली कि किस तरीके से आप लोग ने अपने टिकटॉक के पिक्सल को किस तरीके से सेटअप करना है। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो में लास्ट बने रहना, फिर टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके तो यार पहले नंबर पे हम लोग बात करते हैं कि पिक्सल्स क्या होते हैं। अब टिकटॉक ले लो या फेसबुक ले लो, दोनों सेम चीज है। अब हमें पता होना चाहिए कि इनका क्या काम है, क्या करदार है। तो टिकटॉक पिक्सल हो या फेसबुक पिक्सल हो, ये क्या करते हैं, अपने यूजर्स का जो भी आपके लैंड होता है अपनी वेबसाइट पे, आपके शॉपिफाई स्टोर पे, उसका ये डाटा कलेक्ट करते रहते हैं। फर्ज करो एक यूजर आया आपकी वेबसाइट पे, शॉपिफाई स्टोर पे आया, उसने विजिट किया आपके स्टोर को, कौन सी पोस्ट को विजिट किया, कितनी देर विजिट किया, उसका इंटरेस्ट क्या है, किस चीज में है, ये सारी चीजें वो रिकॉर्ड करता रहता है। तो इससे आप लोगों की हेल्प होती है काफी ज्यादा। आप लोग जब पिक्सल जनरेट कर लेते हो तो ये आपके क्लाइंट्स का, आपके यूजर्स का जो डाटा है वो कलेक्ट करता रहता है, और जब नेक्स्ट टाइम आप एड्स रन करते हो तो ये उसी रिलेटेड उसी बंदों को एड्स दिखाता है जो उस चीज में इंटरेस्टेड होते हैं। इससे आपकी कन्वर्जन रेट बढ़ जाता है, आपके ऑर्डर्स बढ़ जाते हैं, और काफी ज्यादा आपकी हेल्प होती है इससे। नहीं समझ आई, चलो थोड़ा सा सिंपल कर देता हूँ इसे मैं। मिसाल के तौर पर आपका जो टिकटॉक पिक्सल है, मोहल्ले में एक फब्बे कुटी नहीं होती जो कि मतलब के सारी हर चीज पे नजर रखती है कि यार कौन से घर में कौन सा मेहमान आया और कौन किधर गया, कौन क्या कर रहा है। वो फला फला एंटी आई, उस घर में गई, उसने दरवाजा नोक किया और सीधे ही अंदर चलेगी, समझ रहे हो। तो मतलब कि हर चीज पे वो नजर रखते हैं। तो समझ लो टिकटॉक पिक्सल या फेसबुक पिक्सल सेम वही चीज काम करते हैं। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। किसी चीज की समझ ना आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। अभी हम लोग नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि आप लोगों ने अपने टिकटॉक पिक्सल को किस तरीके से सेटअप करना है। ओके तो यार जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर आ चुका हूँ। तो इधर मैंने अपना जो टिकटॉक का एजेंसी अकाउंट है वो ओपन करके रखा हुआ है। तो अगर आप लोग भी एड्स रन करना चाह रहे हो, पिक्सल्स आप लोगों ने सेटअप करने हैं, तो एजेंसी अकाउंट आपके पास होना बहुत जरूरी है। मान के चल रहा हूँ कि आपके पास है। उसके बाद आप लोगों ने टूल्स वाले सेक्शन में आ जाना है और इधर आपको एक इवेंट्स का मतलब के सेक्शन मिलेगा। इवेंट्स में आप लोगों ने आ जाना है। इवेंट्स पे आओगे तो आप लोगों को इवेंट्स मैनेजर ओपन हो जाएगा। इधर आपको थ्री ऑप्शंस मिलेंगे, ऐप इवेंट्स का, वेब इवेंट्स का और ऑफलाइन का। अगर आप ऐप से रिलेटेड काम कर रहे हो तो ऐप्स में चले जाओ। मैं अपने शॉपिफाई स्टोर के लिए करना चाह रहा हूँ, मेरी वेबसाइट है, तो मैं वेब इवेंट पे क्लिक करूंगा। सिंपल से मैनेज पे आप लोगों ने क्लिक कर देना है, नेक्स्ट विंडो आपके सामने आ जाएगी। इधर ये चेक करो, आपने ऑलरेडी जो पिक्सल्स क्रिएट किए होंगे ना वो शो हो जाएंगे। मैंने ऑलरेडी दो पिक्सल क्रिएट करके रखे हुए हैं। मैं आपको अभी बताता हूँ कि आप लोगों ने कैसे करना है। आपको सामने ये वाली चीज नहीं आएगी। ऊपर इधर देखो, आपको सेटअप वेब इवेंट का एक बटन मिल रहा है ना लेफ्ट साइड पे, इस पे आप लोगों ने क्लिक कर देना है। क्लिक करोगे तो आपके पास दो ऑप्शन आ जाएंगे, मैनुअल सेटअप का और पार्टनर सेटअप का। तो आप लोगों ने मैनुअल वाला चूज करना है और इसको नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद पिक्सल नेम पूछे, कोई भी पिक्सल नेम आप रख सकते हो अपनी मर्जी से। तो मैं P3 रख रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं दो पिक्सल बना चुका हूँ। तो आप लोग ने अपना स्टोर का नाम रख लो, वट एवर जो भी आप रखना चाह रहे हो, इस चीज का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपके स्टोर पे। अब ये टूर दे रहा है, इसको मैं स्किप कर देता हूँ। इधर से आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना, आप लोगों ने यूज टेम्पलेट पे क्लिक करोगे एंड अप्लाई टेम्पलेट पे क्लिक कर देना है सिंपल से। उसके बाद सिंपल से नेक्स्ट कर देना एंड नेक्स्ट विंडो में इधर आपको थ्री ऑप्शन शो हो रहे हैं, इवेंट्स एपीआई का, कस्टम कोड का और इवेंट बिल्डर का। तो आप लोगों ने पहले दो जो है इनको अनटिक कर देना है और थर्ड वाला जो इवेंट बिल्डर है इसको चूज करना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट करोगे इधर आपको चेक करो ये ऑप्शन आ रहे हैं। इधर से आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल से एडवांस ऑटोमेटिक मैचिंग जो है ना इसको आप लोगों ने ऑन कर लेना है। ये रिकमेंडेड है, इसको आप लोगों ने लाजमी से ऑन कर लेना है, ये ऑटोमेटिक फिर डिटेक्ट कर लेगा। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, क्रिएट इवेंट पे क्लिक करना है। इधर आप लोगों को एक कॉपी कोड पिक्सल मिलेगा, ये चेक करो, इसको आप लोगों ने इधर से कॉपी कर लेना है। काम इधर हमारा खत्म हो गया। कॉपी करने के बाद आप लोगों ने आ जाना अपने शॉपिफाई स्टोर में। स्टोर में आने के बाद ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करना है। क्लिक करोगे तो थीम वाले सेक्शन में आ जाना है आप लोगों ने। ये जो नीचे थीम है, थीम पे आओगे तो इधर आप लोगों को जो कस्टमाइज है ना आपका जो थीम होगा, जो भी करंट थीम आप लोगों ने लगाया उसके साथ थ्री डॉट शो हो रहेंगे कस्टमाइज के साथ, उस पर क्लिक करना है और एडिट कोड पे आ जाना है। तो आपके सामने नेक्स्ट विंडो ओपन हो जाएगी। थीम डॉट लिक्विड में आओगे, इधर आप लोगों को एक हेड का टैग मिलेगा, उसके नीचे आप लोगों ने जो अपनी स्क्रिप्ट कॉपी की थी ना वो आप लोगों ने इधर आके पेस्ट कर देना है। मैंने ऑलरेडी ये देखो ये स्क्रिप्ट जो है पेस्ट की हुई है। इसी तरीके से आप लोगों ने हेड के नीचे पेस्ट कर देनी है और इसको सेव कर देना है। इतना काम हो गया। इसके बाद आप लोगों ने आ जाना है बैक, इधर से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आप लोगों ने जाना है अपने सेटिंग्स में, स्टोर की सेटिंग्स ओपन कर लेनी है। उसके बाद आप लोगों ने जाना है चेकआउट्स में, चेकआउट्स ओपन करोगे तो नेक्स्ट इस तरह की विंडो आ जाएगी आपके सामने और इधर आप लोगों ने नीचे आ जाना है और एडिशनल स्क्रिप्ट इधर एक ऑप्शन मिलेगा,
इधर आप लोगों ने सेम वो जो स्क्रिप्ट होगी ना वो इधर आके पेस्ट मार देनी है, जस्ट इतना सा काम था, दैट्स इट, बात खत्म। सो गाइज ये थी आज की वीडियो, होप करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी कि टिकटॉक पिक्सल्स क्या है, फेसबुक पिक्सल्स क्या है, एंड नेक्स्ट टिकटॉक पिक्सल्स को किस तरीके से सेटअप करना है। कंप्लीट गाइड कर दिया ए टू जेड मैंने आप लोगों को। वीडियो कैसे लगी है लाजमी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। किसी भी चीज की समझ ना आई हो फिर भी आप लोग पूछ सकते हो मेरे से, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर मार दो यार अपने दोस्तों के साथ। सो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, आज के इतना ही, अल्लाह हाफिज।